हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको प्लाज़ो स्टिच करना बताऊंगी, इसको स्टिच कैसे करते हैं। प्लाज़ो पैंट की कटिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो मेरे चैनल पर है। देखिए, हमारे पास इस तरह से कटिंग आ जाएगी जब हम उसको कट कर लेंगे। जो स्मॉलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द फ्रंट पार्ट, और जो थोड़ा सा बड़ा है, दैट इज़ द बैक पार्ट। दोनों पे क्रॉस लगाया है, दिस मीन्स कि ये ऑपोजिट साइड है, मतलब हमारी जो सीधी साइड होती है वो नहीं है। सो हम इसको वन बाय वन स्टिच करेंगे। तो मैंने पहले फ्रंट साइड लिया है, तो इसको क्रॉच एरिया कहते हैं, जिसको आसन बोलते हैं हम लोग। इसको मैं यहाँ पे स्टिच करूँगी, ऐसे जैसे बना हुआ है ये जे शेप, वैसे ही स्टिच करना है। सिमिलरली बैक पर भी हम ऐसे ही स्टिच करेंगे। ये आप हाफ हाफ इंच की सीन मार सकते हो यहाँ पर। ये बैक रहा, बैक थोड़ा सा बड़ा होता है, ये भी हमने सेम वे में ये क्रोच एरिया को यहाँ से स्टिच करना है। सो ये मैंने स्टिच कर लिए हैं, तो जस्ट इनकी लुक देखिए, ये कैसे दिखाई देते हैं। आपको ऐसे लाइन दिखाई देगी, जो ये रिप्रेजेंट करती है कि हाँ, ये दोनों आपस में अटैच हो चुके हैं। सी क्लोजली, दोनों पे लग चुकी है। बहुत अच्छे वे से लग जाती है, हाफ हाफ इंच की लगानी होती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, जो ये हमारा बैक पार्ट है उसको आप नीचे रखो, फाइन, उसको सीधा रखना है। देखो, ऊपर वाली स्टिच आपको नहीं दिखाई दे रही, सीधा है, ठीक है। और जो ये फ्रंट पार्ट है, ये हमने इसके ऊपर उल्टा रखना है। इसकी हमें स्टिचिंग दिखाई दे रही है, ऑपोजिट साइड दिखाई दे रही है। ऐसे आपने रखना है कि जो दोनों की सीधी साइड्स हैं वो अंदर की तरफ हो। फिर हमने इन दोनों की साइड्स को स्टिच करना है, ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे तक हमने स्टिच करना है। ये भी आप हाफ हाफ इंच पर स्टिच करोगे। दोनों साइड्स पर स्टिच करोगे, यस, आपको ये ज़रूर लगेगा कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसका कपड़ा थोड़ा कम है, नीचे वाले का ज़्यादा है। वो ऐसे ही होगा, क्योंकि इसमें ये जो प्लाज़ो होता है, इसमें क्रीज कट बननी होती है। तो यस, ये हमारा स्टिच लग गई है हमारी। सी, इसको खोल के देखो, ये देखो, एक सर्कुलर सा बन गया है। फोर्टी फाइव मिनट्स में ये रेडी हो जाता है, ये हमारा प्लाज़ो, इतना इजी होता है। अब हमें क्या करना है, इसकी बॉटम को हम लोग तैयार करेंगे। बॉटम जो है मैं वो वन इंच मोड़ूंगी, तो उसके लिए वन एंड हाफ इंच पे आप एक मार्क लगाओगे, और जो नीचे वाला मार्क है वो हाफ इंच पर लगेगा। जो ऊपर वाला मार्क है वो वन एंड हाफ इंच पर, नीचे वाला मार्क जो है वो हाफ इंच के ऊपर लगेगा। इस तरह से आपने सभी जगह लगा देना है। दोनों पार्ट्स पर आप लगाओगे, दोनों लेग्स पर, इस तरह से फिर आप लाइन बना लोगे। कि क्लोजली देखिए, आपको टू लाइंस दिखाई देंगी। अब इसको हमने उल्टा कर लिया, जो हाफ इंच वाली है उसको वन फोल्ड करा, ये टू आपको मार्क्स दिख रहे हैं, जो हाफ इंच वाली है उसको वन फोल्ड करा, जो हमने डबल फोल्ड करना है वो हमने वन एंड हाफ इंच पे करना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको आयन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में आपने स्टिच लगा देनी है।
अब हम क्या करेंगे, जो ये मिडल वाला पोर्शन है इसको हम स्टिच करेंगे, दोनों को पकड़कर। ठीक है, मिडल वाला स्टिच कर लेना है। सो इट्स डन, मिडल वाला हमारा स्टिच हो चुका है, ऑलमोस्ट प्लाजो रेडी है। बस इसका जो इलास्टिक वाला पार्ट है दैट इज़ लेफ्ट। और ये बॉटम देख लीजिए, हमने फोल्ड किया है, बॉटम भी अच्छे से फोल्ड हो जाता है। इट्स वेरी वेरी इजी टू स्टिच अ प्लाजो, इज एक्सट्रीमली इजी। तो अब मैं आपको बताऊंगी इलास्टिक कैसे लगाना है। फ्रंट वाला पार्ट छोटा है, बैक वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है। जो ये हमने मार्क्स लगाए हैं वो किस हिसाब से लगाए हैं, क्योंकि मेरा जो इंची टेप है, सॉरी इंची टेप कह रही हूँ, जो मेरा इलास्टिक है वो 1 इंच का है, तो ऊपर वाला 1/2 इंच पर और नीचे वाला 1.5 इंच पर लगाया है। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला मार्क है वो 1/2 इंच पर, नीचे वाला 1.5 इंच पर लगाया है। तो इसको हमने वैसे ही फोल्ड करना है जैसे हमने जो हमारे लेग्स का बॉटम होता है वैसे किया है। पहले आपने सिंगल फोल्ड करना है, फिर जो 1.5 इंच वाला है उसके ऊपर डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसको स्टिच करना है। इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो इसको स्टिच करना, वहीं पे एंड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें इलास्टिक को इंसर्ट करना है, तो वी हैव टू लीव सम स्पेस इन बिटवीन। तो आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो उसके 4 to 5 centimeters तक जो है आप स्टिच करें, एंड देन लीव अ स्पेस, लाइक मैं आपको दिखाऊंगी। सो सी क्लोजली, यहाँ पे मैंने इतना स्पेस छोड़ा है जो कि नियरली 4 to 5 inches का होगा, बाकी सारा मैंने स्टिच कर लिया है। अब ये मेरे पास बड़े वाला सेफ्टी पिन है, इसको मैं इलास्टिक में डालूंगी। अब इलास्टिक का मेजरमेंट कैसे लेना है, जैसे 36 आपकी वेस्ट है उसका हाफ हुआ 18, और 18 में आपने 4 inches को माइनस कर देना है विच कम्स आउट 14। तो ये जो इलास्टिक है आपका 14 लेंथ का होना चाहिए। सो मैंने एक में डाला, और इसको हमने इस तरह से इंसर्ट कर देना है। इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू इंसर्ट एन इलास्टिक दिस वे। जो मैंने आपको बताया 14 इंच का होगा इलास्टिक, 14 इंच मतलब कि अगर आप डबल ही पूरा ऑल अराउंड द वेस्ट मेजर करोगे इलास्टिक तो वो 28 इंच होगा, उसका हाफ 14 इंच। यू गेट माय पॉइंट? अगर 36 है उसमें से आपने 36 का हाफ कर लेना है विच कम्स आउट 18 में से आपने 4 माइनस कर देना है 14, तो जो वो 14 मेजरमेंट है वो आपने इलास्टिक को डबल रख कर लेनी है। फिर जब ये बाहर निकल जाएगा तो आपने इसको सेफ्टी पिन को बंद कर देना है और इसको हम सेट करेंगे अपने पजामे को इलास्टिक के अंदर, ताकि जो भी ये इलास्टिक है अच्छे से सेट हो जाए। तो आप इसको खींच खींच कर सेट करोगे, जब सेट हो जाए तो ये सेफ्टी पिन आप निकालोगे और जो ये इलास्टिक है इसको एक दूसरे के ऊपर रख कर आप स्टिच करोगे। तो यहाँ पे आप 3-4 लाइंस स्टिचिंग की लगा लेना। सो इट्स डन। अब जो ये लेफ्ट पोर्शन है जिसको हमने नहीं स्टिच किया था, अब इसको कर लीजिए। सो इट्स रेडी। तो ये हमारा अच्छे से इलास्टिक लग गया है, इजीएस्ट वे।
एक और चीज़, इसके सेंटर में हम एक स्टिच करेंगे, तो आपने इस इलास्टिक को अच्छे से खींच कर, जितना खींच सकते हो उतना खींच के स्टिच करना है। अगर बीच में कहीं थोड़ा बहुत कपड़ा बीच में आ रहा है, दैट डजेंट मैटर, क्योंकि ये आपको दिखाई देने वाला नहीं है और वो आएगा ही आएगा। फाइन, सो ये हमारा प्लाजो इज़ रेडी, ऑल स्टिच्ड। अगर आपको ये सिंपल प्लाजो होता है, अगर आपको इस प्लाजो की कटिंग की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अदरवाइज़ जो मैंने आपको नैरो बताया, ये सेम वैसा ही होता है, बट इसका बॉटम जो है हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं नैरो से। थैंक यू।